नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल दो दिनों के बिहार दौरे पर आए और वापस दिल्ली लौट गए। शक्ति सिंह गोहिल महागठबंधन को लेकर ये दावा करते रहे हैं कि महागठबंधन में ये सब कुछ ठीक है और कोई कहीं नहीं जा रहा है। एक समन्वय समिति यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी है और वो बनेगी। और शक्ति सिंह गोहिल के इसी बयान के बाद ये लगा था कि कांग्रेस मजबूती के साथ जीतनराम मांझी के साथ खड़ी है, लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने से ही दूसरे तरह का बयान सामने आ रहा है। शक्ति सिंह गोहिल एक तरफ दावा कर चुके हैं कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई है अगर मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही खबरों की माने तो, दूसरी तरफ बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बन रही है, पता नहीं क्यों आरजेडी कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बना रही है और इससे चुनावी अभियान को गति देने में दिक्कत आ रही है। तो शक्ति सिंह गोहिल कुछ कहते रहे हैं, वो दावा करते रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। दूसरी तरफ अनिल शर्मा का जो बयान है उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि आरजेडी का जो रवैया है, तेजस्वी यादव का रवैया है, उससे सिर्फ जीतनराम मांझी नाराज नहीं है बल्कि कांग्रेस के अंदर खाने भी नाराजगी बढ़ रही है। तो बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह और हम के अध्यक्ष जीतनराम मांझी सहित महागठबंधन के दूसरे घटक दलों की मांग के बावजूद पता नहीं क्यों आरजेडी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के निर्णय को टालती रही है। कांग्रेस को यह निर्णय जल्द कराना चाहिए। अनिल शर्मा ने कहा कि पूर्व का भी अनुभव रहा है कि राजद अपने अनुकूल सीटों पर पहले से तैयारी कर रही होती है और चुनाव की तिथि की घोषणा के बावजूद गठबंधन के दलों के बीच सीटों के आवंटन को लेकर भ्रम की स्थिति बनाए रखती है, जिसके चलते घटक दलों को चुनाव में नुकसान होता है। तो बहुत बड़ी बात कही है बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने। उन्होंने ये कहा है कि आरजेडी पता नहीं क्यों नहीं बना रही है कोऑर्डिनेशन कमेटी, इससे चुनावी अभियान को गति देने में दिक्कत हो रही है, जबकि कांग्रेस के विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह ये मांग करते रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात ये कही है, एक तरह से जो दावा शक्ति सिंह गोहिल करते रहे हैं उनके दावे की हवा निकाल दी है बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा। उन्होंने कहा है कि आरजेडी की ये रणनीति रही है, इससे पहले भी आरजेडी ये करती रही है कि अंतिम समय तक भ्रम की स्थिति बनाए रखती है सहयोगी दलों में, जबकि अपने अनुकूल सीटों पर वो चुनाव की तैयारी कर रही होती है, उन सीटों पर वो तैयारी कर रही होती है, उस पर रणनीति बना रही होती है, लेकिन महागठबंधन के दूसरे सहयोगियों में या घटक दलों में असमंजस की स्थिति बनाए रखती है, जिससे आरजेडी को तो चुनाव में फायदा हो जाता है लेकिन सहयोगी दलों को चुनाव में नुकसान होता है, क्योंकि अंतिम वक्त में उनको ये पता चलता है कि उन्हें किन सीटों पर चुनाव लड़ना है, उन्हें कौन सी सीटें उनके हिस्से में आई है। तो बड़ी खबर, बड़ा बयान महागठबंधन के अंदर खाने से, कांग्रेस के अंदर खाने से, शक्ति सिंह गोहिल का दावा उन्हीं की पार्टी के नेता ने खारिज कर दिया है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और आरजेडी तेजस्वी यादव जिस तरह से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने में देर कर रहे हैं उससे सिर्फ जीतनराम मांझी नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर खाने भी नाराजगी बढ़ रही है। और संभव है कि इसी नाराजगी को कम करने के लिए, इसी नाराजगी को खत्म करने के लिए शक्ति सिंह गोहिल दो दिनों के बिहार दौरे पर आए हों। नाराजगी खत्म कर पाए हैं नहीं कर पाए हैं यह देखना होगा। मुलाकात करना चाहते थे तेजस्वी यादव से, यह भी खबर है कांग्रेस के अंदर खाने से, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। तो तमाम तरह की खबरें शक्ति सिंह गोहिल के बिहार दौरे को लेकर, शक्ति सिंह के दावे को लेकर और अब कांग्रेस से यह बड़ी खबर। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।